हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे किचन सोनू चैनल में। और आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ सूजी का केक। तो ये केक मैं आज फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये केक मैंने कैसे बनाया है। हो सकता है ये मुझसे ज़्यादा अच्छा ना बने, क्योंकि आज मैं पहली बार बिल्कुल यहाँ ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने ली है एक कटोरी सूजी और साथ में थोड़ी सी दही, और एक गिलास मैंने लिया है दूध, साथ में लिया है बेकिंग पाउडर, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फूड कलर जो आता है वो भी लिया है। तो मैंने ले लिया है मिक्सर का जार, और एक कटोरी सूजी मैंने इसमें डाल दी है। ये पैकेट वाली सूजी है, जो पैकेट में बारीक सूजी आती है वही मैंने यहाँ ली है। और इसमें मैंने डाल दिया है दूध एक गिलास, तो थोड़ा सा दूध मैंने यहाँ बचा दिया, यानी कि एक गिलास से कम दूध डाला है मैंने यहाँ पर। थोड़ा सा फूड कलर मैंने यहाँ डाल दिया है येलो कलर का, और आप चाहें तो फूड कलर नहीं ना डालना चाहें तो मत डालिए। और अब मैं यहाँ पर इसको जो है बेकिंग पाउडर डाल दिया है मैंने थोड़ा सा यहाँ पर, और इसको मिक्सी के जार में ही मैंने यहाँ पर सब सामान डाला था, और इसको मैंने यहाँ पर मिक्सी के जार से ही यहाँ पर इसको मैंने जो है चला दिया है। तो ये एक पेस्ट सा तैयार हो चुका है यहाँ पर, और मैंने और डाल दिया है इसमें रिफाइंड 2 चम्मच के करीब भरकर, और साथ में मैंने यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच दही। तो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर सोडा नहीं है खाने का, तो जो खाने वाला सोडा आता है तो अब पता नहीं ये कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा ये यहाँ पर। तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, और खाने का सोडा मेरे पास नहीं है। तो बेकिंग सोडा देखिए मैंने चम्मच से लिया है, आधी चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो फर्स्ट टाइम मैं आज इसको बना रही हूँ, तो बिल्कुल भी मुझे आइडिया अच्छे से नहीं है कि कैसे डालना है कैसे नहीं डालना है। और साथ में मैंने डाल दी है यहाँ पर स्वाद के अनुसार चीनी मीठे के लिए, और फिर दोबारा से इसको मैं मिक्सर जार में इसको दोबारा से मैं चला दूँगी अच्छे से, ताकि चीनी पीनी और जो भी मैंने इसमें दही वही और बेकिंग पाउडर वगैरह डाला है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो इसका पेस्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो मैंने लिया है ये एक कटोरदान, तो मेरे पास छोटा बर्तन भी नहीं था, तो ये काफ़ी बड़ा सा कटोरदान है। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऑयल लगा दिया था अच्छे से सारे में, और साथ में मैंने ये पेपर ले लिया था, मेरे पास बटर पेपर भी नहीं है तो मैंने सिंपल कॉपी का पेपर लिया है, और उसी में मैंने तेल लगा लिया था, उसको चिकना कर दिया था ताकि नीचे चिपके ना। तो देखिए ये बैटर भी बढ़िया से बनकर रेडी हो चुका है, बस इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है खाने का सोडा, तो वो मेरे पास नहीं था। तो देखते हैं ये कितना फूलता है कितना नहीं फूलता है, कितना स्पंजी बनता है कितना स्पंजी नहीं बनता है। तो मैंने यहाँ पर ऊपर से डाल दी टूटी छूटी फूटी जो आती हैं वही यहाँ पर डाल दी, इसको 2-3 बार टैप 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 मैंने यहाँ पर कर दूँगी इसको मैं, और रख दूँगी बेक होने के लिए। तो इधर मैंने लोहे की कढ़ाई रख दी थी, गर्म हो गई थी, तो इसमें मैंने कटोरी रख दी थी एक, उसी के ऊपर मैंने ये कटोरदान रख दिया है, और इसको ढक दिया है थाली से। लगभग इसको 40 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं पकते हुए, तो ये यहाँ पर पक चुका है। इसको मैं चाकू से देख रही थी तो ये पक चुका है, इसको मैं यहाँ पर निकाल दूँगी। तो काफ़ी गर्म है तो मैंने कपड़ा ले लिया है निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो देखिए ये ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था इसको, तो ये ठंडा हो चुका है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं अभी आपको निकाल के दिखा रही हूँ, तो देखिए ये फूला नहीं है ज़्यादा, इसमें शायद सोडे की कमी रह चुकी है। तो सोडा मेरे पास नहीं था, अगर सोडा इसमें होता तो ये जालीदार अच्छे से बनता, पर यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट बना है फिर भी ये। और इसका जो मैंने कागज़ यहाँ पर लगाया था वो मैंने हटा दिया है, तो इसके पीसीज मैंने यहाँ पर कट कर दिए हैं, तो ये खाने में बड़ा ही टेस्टी बना है, बस थोड़ा स्पंजी नहीं बना है। पर अगली बार जब मैं बनाऊँगी तो बिल्कुल ये जो है अच्छे से इसको बनाऊँगी, फिर भी बहुत ही अच्छा बना है। फिर भी आप बताइए कि ये कैसे बना है कैसे लग रहा है। तो आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।